Whatever you're seeing, I see Kadgele and the Bling become interesting. Hey guys, it's Chupa Panda, Paranga, back with a new vlog. So you guys, kya chal? Kaise aap sab badhiya hai, badhiya honi chahiye. Aur ji guys, as usual, some special vlog for you all guys. Aur ye काफी टाइम से मैंने प्लान करके रखा था. मैंने सोचा था आप लोग को एक परफेक्ट टाइम आएगा तब बता देता हूँ. और गाइस, ये मेरा काफ़ी स्पेशल रैकेट है आफ्टर माई नैनो रे 9000 ND. उसका गाइस इधर आ रहा होगा, आप उधर जाके देख सकते हो. इधर उसका आ रहा होगा, इधर या इधर. सो जाके आप गाइस चेक कर लीजिए उसका, काफ़ी अच्छा लॉग. और चलो गाइस चलते हैं आगे और बताते हैं कैसा है लॉग ये. और अगर आपको इनकेस इसका लिंक चाहिए तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, अगर मुझे मिला, नहीं तो फिर आपको ऑनलाइन ढूंढना पड़ेगा. चलो गाइस. तो जी गाइस, जो मैं बैट की बात कर रहा था, मेरा बैडमिंटन रैकेट वो या ये रहा. ये है योनिक्स नैनो रे 8i गाइस. ये तो मेरा इसमें नेट पड़ा है गाइस. अगर आपको हाउ टू स्ट्रिंग अ बैडमिंटन नेट चाहिए, उसका वीडियो तो इधर आ रहा है गाइस. इधर आके देख चेक कर लीजिएगा. मेरा वो नेट जो मैं उस दिन उसमें दिखाया था कैसा फिट करना है. इसमें मैं ला करके कवर में मेरा एक नेट रखता हूँ और दो तीन शटलकॉक रखता हूँ. इसका भी इधर ब्लॉग देख सकते हो आप. इधर अभी आ रहा होगा, चेक कर लीजिए. ये भी है, इसका है BG60 घट होता है. ये है हमारा मेवेस 350 का है, काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी काफ़ी अच्छा, लॉन्ग लास्ट करता है. और गाइस आते हैं अभी हमारे रैकेट पे. वो रैकेट के साथ आता है आपको एक फुल कवर गाइस, एक फुल कवर आता है और उसमें आता है हमारा एक रैकेट. आपको रैकेट आता है और ये प्री स्टैंड आता है, पर मैंने एक्चुअली थोड़ा टाइम खेल चुका हूँ थोड़ा टाइम से, तो मैंने अभी लगाया इसमें BG65 TITAN MTI ब्लैक कलर का. इसमें ब्लैक और एक कलर आता है, येलो या कोई पिंक या पर्पल कलर था गाइस. ये रहा वो रैकेट, जैसे कि देख सकते हो. ये हम लोग उसको बोलते हैं नैनो रे लाइट 8i लिचोंगो एडिशन है गाइस. ये काफ़ी स्पेशल रैकेट है और इसमें आपको हायर लेवल वाले रैकेट्स भी आते हैं गाइस. और इसमें सेम आपको क्वालिटी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी है. और गाइस ये आता है, फर्स्ट पॉइंट है इसका फुल कवर. तो गाइस फुल कवर का फ़ायदा क्या, आपका रैकेट कभी ख़राब होएगा नहीं, गिरेगा बारिश में. और इसमें मतलब वाटर प्रूफ तो नहीं बोलूँगा, मतलब पर अंदर ज़्यादा पानी जाएगा नहीं. है क्यों, अगर पानी गया रैकेट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. ग्रिप और जो इसका ये है अंदर स्टेम में पानी गया तो फिर हो सकता है ये आपका हैंडल निकल जाए. ये फर्स्ट कवर मिलता है, एक पॉइंट. सेकेंड है गाइस आपका आता है रैकेट प्री स्टंग. जब आप रैकेट खरीदते पहले से स्ट्रिंग्स होती है योनिक्स की, स्टॉक स्ट्रिंग कोई कम, मतलब वो BG65 या क्या है पता नहीं एग्जैक्टली, पर प्री स्ट्रिंग आता है. येलो कलर से ग्रिप स्ट्रिंग देखी होगी आपने, और ऊपर योनिक्स का ब्लैक कलर में या रेड कलर में लोगो होगा गाइस. वो डिपेंडिंग आपने कहाँ पे और आपने तो चूज़ भी कर सकते हो अगर नॉन स्ट्रंग है तो गाइस. और एक और खास बात जो मैं बताना चाहूँगा, जो ये प्री स्ट्रंग वाले रैकेट होते हैं वो जो स्ट्रिंग होती है गाइस उसमें इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ज़्यादा खास स्ट्रॉन्ग रैकेट स्ट्रिंग नहीं होती उसकी. तो उसके लिए मैंने थोड़ा टाइम यूज़ करके गाइस उसमें फिर मैंने BG65 टाइटेनियम लगाया. वेल एक्चुअली पॉइंट है कि इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा था, नहीं तो मैं आपको दिखा दिया होता. हाँ इसमें छोटा बहुत है, दिख नहीं रहा. सेकंड पॉइंट था मैंने बताया आपको, एक है कि आपको फुल कवर के साथ आता है, सेकेंड प्री स्ट्रंग आता है गाइस. और एक थर्ड पॉइंट है इसका जो ग्रिप है, ये G4 है गाइस, G4 ग्रिप है गाइस. और ये है इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी गाइस, देख सकते हो काफ़ी बड़ा ग्रिप है, अच्छा है गाइस. और आपको फोर हैंड बैक हैंड के लिए मूवमेंट करने के लिए, शॉर्ट हैंड बैक हैंड के लिए आपको काफ़ी अच्छा खेलने की जगह मिलती है गाइस. काफ़ी अच्छे क्वालिटी का रैकेट है और जिसके आप देख सकते हो. और गाइस अभी आते हैं खास बात, ये आपने बताया मैंने आपको था G4 है इसका ग्रिप साइज. और गाइस अगली बात है वो है इसका वेट गाइस, विदाउट द स्ट्रिंग्स आर ऑफ 10 ग्राम्स. तो इसका वेट है 77 ग्राम, नॉट इवन एक 100 ग्राम भी नहीं गाइस, 77 ग्राम्स. इतना लाइट रैकेट, एकदम स्विफ्ट रैकेट. इसके पहले मुझे एक रैकेट पसंद था गाइस जो लाइटर था, उसका नाम है 4i नैनो रे लाइट 4i. वो भी काफ़ी लाइट है पर ये थोड़ा बेटर में आता है, थोड़ा आपको इसमें थोड़ा कंट्रोल बेटर मिल जाता है गाइस. और काफ़ी क्लास क्वालिटी का रैकेट है ये, और आप देख पाते हो इसमें काफ़ी अच्छा क्वालिटी का स्ट्रिंग है. ये देख पा रहे हो आप ये गाइस, तो काफ़ी क्लास क्वालिटी का है और यूजेज भी अच्छा है. और खासकर जब आपका हैंडल बड़ा होता है ना गाइस तो आपको यूजेज काफ़ी अच्छे से मिल जाती है. और अभी आपको इस पर डिटेलिंग दिखा देता हूँ. और हाँ, 77 ग्राम्स का रैकेट का वेट है और जो 10 ग्राम्स है वो इसका नेट का वेट है गाइस. और जो टोटल मिला के वो हो जाता है 87 ग्राम गाइस.
77 ग्राम्स का ये है पूरा रैकेट, 10 ग्राम्स का नेट लगता है ऐसा बोला जाता है, क्योंकि नेट जब आप लेंगे ना तो इसमें मैंने डलवाई बीजी 65 Ti टाइटेनियम गाइस। सो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है और ये इवन बैलेंस रैकेट है गाइस, इधर आपको डिटेलिंग दिया रहता है। ये है फुल ग्रेफाइट रैकेट गाइस और इसमें जो डिकैलिंग किया गया है आपको डिकैल दिखा देता है इसमें। सो गाइस ये रहा वो डिटेलिंग मेरे रैकेट का और ये रहा रैकेट। ओके सो अब इसमें डिटेलिंग बता देता हूँ मैं कैसे दी गई है। इन्होंने ये ब्रांडिंग दी गई है योनिक्स की, इधर ऊपर सिल्वर में और कैसे ये हायर इंटीमेट प्लेयर्स के लिए जो थोड़ा मतलब बेटर खेल लेते हो अगर आप, तो कंट्रोल्ड रैकेट है काफ़ी कंट्रोल, क्योंकि आपको ये फुल कंट्रोल रैकेट आप ही कर सकते हो। ये रहा रैकेट गाइस, ये ग्रिप का मैं भी मैंने एक ब्लॉग डाला था कि हाउ टू इंस्टॉल अ ग्रिप गाइस, इधर आ रहा होगा आप जाके इधर दबा सकते हो और काफ़ी आपको कंट्रोल्ड। और गाइस इस पर मैंने लगाई है टेप हेड पे, ये सिंपल सी इलेक्ट्रिकल टेप है इसके लगाइए ताकि अभी आप जैसे मैं आउटडोर खेलता था आप स्क्रैच करेंगे ना तो ये स्क्रैच होके आपकी जो जैसे कि आप इधर दिखा देता हूँ आप देख सकते हो आपका जो स्ट्रिंग्स है ना बाहर से भी जाती है, जो बाहर से जाती है जब आप नीचे से कभी शर्ट लौटाएंगे ना तो स्क्रैप होता है। और भी देख सकते हो अभी आप आफ्टर पुटिंग ये मैंने टेप लगाने के बावजूद भी देखो कितना स्क्रैचेज है टेप पे, अगर वो नेट पे लगा होगा तो काफ़ी जल्दी नेट आपका ख़राब हो जाएगा। सो अगर आपको नेट लास्ट करना है तो आप टेपिंग भी कर सकते हो। बहुत प्यारा रैकेट है गाइस, इसका कलर थीम बहुत फेमस हुआ है उस करके जो पीच कलर सा है इसका न्यू पीच और बीच में आप देख सकते हो थोड़ा पर्पल भी है और लाइट ब्लू भी है, तो गाइस काफ़ी क्लास थीम है इसकी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा रैकेट है गाइस। ये दोनों फोर हैंड बैक हैंड जैसे हमारा ड्योरा 10 रैकेट होता है उसमें कैसा ना गाइस आपको फोर हैंड बैक हैंड के डिफरेंट डिफरेंट साइड होते हैं, पर इसमें नहीं है, पर अब ये आप काफ़ी स्मूथली यूज़ कर सकते हो और इसमें आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है गाइस, काफ़ी अच्छा रैकेट है, स्मूथ रैकेट है। और ऐसे और भी रैकेट बॉक्स के लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, कोई डिफरेंट रैकेट उसका बना दूंगा। फिलहाल मैं ड्योरा जेड स्ट्राइक के ऐसे कोई रैकेट्स का ब्लॉग सुन ला रहा हूँ और अच्छा क्वालिटी का लाऊंगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मैं यूज़ करूँ मैं वैसे ही आपको दिखाऊंगा ब्लॉग में भी गाइस। और सॉरी थोड़ा गोरिल्ला पॉड, ओके सॉरी, हाँ जी तो गोरिल्ला पॉड ऑफ बैलेंस जा रहा था, तो ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का रैकेट लगा मुझे। और गाइस जो टाइटेनियम ग्रिप है स्ट्रिंग इसकी, मैं आपको उसकी भी खासियत बता दूँ, जो उसकी खासियत है वो है वो हार्ड हिटिंग है, अगर आप स्ट्रॉन्ग हिटर है आपका अगर बैकहैंड के ज़्यादा गेम नहीं है तो गाइस आपके लिए ये बेस्ट है, अगर आप बेसलाइन टू बेसलाइन खेलते हो काफ़ी अच्छा है। इसकी स्ट्रिंग साउंड भी ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं, मतलब जो अभी जैसे काफ़ी अलग अलग स्ट्रिंग्स होती है उसकी स्ट्रिंग बहुत, अभी जैसे एरोसोनिक हो गया गाइस, एरोसोनिक बहुत बहुत पतली ज़्यादा जल्दी स्ट्रिंग टूट सकती है पर साउंड बहुत तेज़ है उसका, टंग 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 जैसा आता है ना आपको गिटार जैसा वैसे ही स्ट्रिंग की साउंड आती है, बहुत अच्छे क्वालिटी की गाइस। क्वालिटी आपको आपके ऊपर, आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए या खाली दो तीन गेम खेल के काट देना है, अभी आपके गेम के ऊपर है गाइस। और आप देख सकते हो काफ़ी लाइट रैकेट है गाइस, अगर आपको इसका मुझे इसका लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा गाइस। और भी कोई डिफरेंट टाइप का ब्लॉग चाहिए तो गाइस कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लॉग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, टिल द टाइम परमानेंट गॉन, पीस आउट, टेक केयर गाइस, इफ़ एनी सजेशन प्लीज़ कमेंट और ईमेल परमानेंट कमांड @gmail.com।